हिंदू युवा जनजाति संगठन एवं दहेज मुक्त भील समाज समिति के संयुक्त प्रयास और हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर एवं एसपी के नाम उदयनगर थाना एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि क्रिसमस पर लगने वाले मेलों पर प्रतिबंध लगाए जाए और गांव-गांव जाकर ईसाई मिशनरी आदिवासी समाज का धर्मांतरण कर रही है, बहला पुसला कर ईसाई बनाया जा रहा है, उन पर प्रतिबंध लगाए जाए, नहीं तो हिंदू युवा जनजाति संगठन मैदान में उतर चुका है, अगर प्रशासन नहीं रोकता है तो आदिवासी समाज भी धर्मांतरण रोकने में प्रयास करेगा। और ग्राम शिवनपानी, सेमली, उदयनगर, पिपरी, देवझिरी में लगने वाले क्रिसमस के मेलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग प्रशासन से की गई है। इस अवसर पर संपूर्ण आदिवासी समाज उपस्थित रहा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज की विशिष्ट पहचान को प्रभावित कर नष्ट कर रहा है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) का खुला उल्लंघन है। आने वाले कुछ दिनों में ईसाई मिशनरी द्वारा आदिवासी समाज की विशिष्ट पहचान को प्रभावित कर नष्ट करने जैसी विदेशी संस्कृति, मेले, त्यौहार, चंगाई सभा जैसी गतिविधियों ग्राम सभा की अनुमति के बिना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस फिर भी जिले में धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रिसमस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) का उल्लंघन है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हिंदू युवा जनजाति संगठन आवेदन के माध्यम से मांग करता है कि अनुसूचित क्षेत्र में ईसाई मिशनरी के विदेशी संस्कृति के पर्व क्रिसमस मेले प्रतिबंध नगर थाने पर इसलिए आए थे, जो 25 तारीख को क्रिसमस डे आ रहा है ईसाइयों का, तो उसमें ईसाई लोग हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को ईसाई बनाने की कोशिश करते हैं और इन्हें रोका जाए, ये हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है। आपका नाम? मैं ओम प्रकाश चौहान, जिला अध्यक्ष हिंदू युवा जनजाति संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।